बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए आया हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उस फैसले का जो एक छोटे से तबके ने रद्द अमल दिया, उस फैसले के ऊपर जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, मैं मजबूर हूँ आज आपसे बातचीत करने के लिए। देखिए, पहले एक चीज समझ आए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया की तारीख का वाहिद मुल्क है जो मदीना की रियासत के बाद इस्लाम के नाम पे बना है। इस्लाम के नाम पे बनने का मतलब यह है कि पाकिस्तान का कोई कानून कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं जा सकता। तो जो जजेस ने फैसला दिया है वो आइन के मुताबिक दिया और पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्ना के ताबे है। अब जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, ये कहना कि वो फैसले के बाद वाजिबुल कत्ल है और फिर वही नहीं रुकना, फिर ये कहना कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो गैर मुस्लिम हैं, और जनरल्स को कहा जा रहा है और फौज को कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करो। मैं पहले तो इधर से शुरू करता हूं, अपनी हुकूमत की पहले आपसे बात करता हूं। देखें, मैं बार बार ये कह बैठा हूं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जब एक अजीम मुल्क बने तो वो मदीना की जो रियासत के जो असूल थे उन पे चल के बनेगा। मेरा ये ईमान का हिस्सा है कि जब तक हम जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, इस्लामी फलाई रियासत, अगर हम वो नहीं बनाएंगे पाकिस्तान को तो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं ये भी समझता हूं कि इंसान का ईमान मुकम्मल ही नहीं जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसान इश्क नहीं करता। हमने अमली तौर पे इस हुकूमत ने वो काम किया जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया, किसी पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं किया। जब हॉलैंड के अंदर वो जो डच पार्लियामेंटेरियन था, उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और वो खाके निकाले, तो वाहिद मुसलमान दुनिया में हमारा मुल्क था जिसने उनसे कंप्लेन किया, फॉरेन मिनिस्टर से बात की, उनके एम्बेसडर से बात की, और ये पहली दफा हुआ है कि उन्होंने उस डच पार्लियामेंटेरियन से खाके विड्रॉ करवाए, वो वापस हटे, ये कभी पहले नहीं हुआ। फिर वाहिद पाकिस्तान पहली दफा हमने OIC जो मुसलमान ममालिक का जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर जाके हमने इशू उठाया, और यूनाइटेड नेशंस में हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पहली दफा यूनाइटेड नेशन में इशू उठाया। उसका नतीजा क्या हुआ कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसने पहली दफा फैसला किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना आजादी राय में नहीं आता। यह पहली दफा हुआ है। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि हम ये सिर्फ बातें नहीं करते, हमने अमली तौर पे करके दिखाया है कि हम वाकई अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी नहीं देख सकते। लिहाजा जो ये जुबान इस्तेमाल की गई है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, कौन सी हुकूमत चल सकती है जिधर कोई आदमी खड़ा होके कहे कि जजेस को भी कत्ल कर दो और कहे आर्मी चीफ के खिलाफ भी बगावत कर दो, लोगों को भी सड़कों पे निकाले, सड़कें भी बंद कर दे, जिसमें एक हुकूमत का क्या कसूर है इसमें? तो कौन सी हुकूमत चल सकती है ऐसे? कौन सा मुल्क चल सकता है? आगे हम इतने मुश्किल माशी बुरहान से निकल रहे हैं, हमारी मेरी जो कैबिनेट है, मैं आपको यह बताऊं कि हमने एक दिन की अभी तक छुट्टी नहीं ली। हम मुसलसल लगे हुए हैं कोशिश करने कि अपनी कौम को निकालें, अपना जो इस मुल्क में पिसा हुआ गरीब आदमी है उसके लिए हालात बेहतर करें। जो हम दुनिया से बाकी दोस्त ममालिक से बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ सरमायाकारी करो आके, उसका मकसद ही यह है कि यहाँ बेरोजगारी कम हो या गुर्बत कम हो। अब अगर इस तरह की हरकतें करनी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आपको पसंद नहीं आए, यानी ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता, तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते।
इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को, अवाम को नुकसान है, गरीब लोगों को नुकसान है। सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा? तो मैं आज अपनी अवाम सबसे ये कहना चाहता हूं, किसी सूरत आपने इनको आपको उकसाने नहीं देना। ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं हो रही, ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है। ये मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते हैं कि जजेस को कत्ल कर दो और फौज में बगावत हो जाए। ये फौज ने हमें एक बड़ी मुश्किल जो जंग थी, दहशतगर्दी की जंग से हमें निकाला है। इन्होंने कुर्बानियां दी हुई हैं। आप जब कहेंगे कि फौज आर्मी चीफ के खिलाफ और झूठ बोल के कि वो मुसलमान नहीं है आर्मी चीफ, उनके ऊपर उकसाएंगे, नुकसान किसका है, फायदा किसका है? पाकिस्तान के दुश्मनों का है। तो मैं आज आप सबसे अपनी आवाम से अपील कर रहा हूं, अपने मुल्क की खातिर जो ये अपनी सियासत चमकाने के लिए आपको उकसा रहे हैं, आपने इनकी बातों में नहीं आना। ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपनी वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। मैं इन अनासर को अपील करता हूं कि रियासत से ना टकराना। मैं आपको ये अपील करता हूं कि इस मुल्क की खातिर जो कि मुश्किल बुरात से निकल रहा है, और अल्लाह का शुक्र है आगे अच्छा वक्त आ रहा है, आप अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप ये करेंगे, मैं आपको ये वाजे कर दूं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लोगों की प्रॉपर्टीज, लोगों की जान और माल की हिफाजत करेगी। हम कोई तोड़फोड़ नहीं होने देंगे, हम कोई ट्रैफिक नहीं रुकने देंगे।